सनशाइन स्कूल शिक्षयित्री ममिता को न्याय दाबी अटल कांग्रेस हाइकोर्ट निर्देश अनुसार आज सारा राज्य में शांतिपूर्ण विक्षोभ प्रदर्शन करुछि कांग्रेस मुख्यमंत्री निजे मंत्री को साबासी दी पाखरे गोटिए मंच में बसई मंत्री भाषण को ताली मारी परोक्षरे अपराधी अपराध को प्रोत्साहन करथवा कांग्रेस अभियोग करछि। मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार गिरफ और पीड़िता परिवार को न्याय दाबी आज ब्रह्मपुर में कांग्रेस कमिटी तरफ कर्मी माने शांतिपूर्ण भाव प्रतिवाद करथवा देखिबाक मिलिछि। सकाळु कांग्रेस कर्मी माने शांतिपूर्ण भाव बंद पालन को समर्थन करने अनुरोध करने सह दुकान बजार बंद करने को अनुरोध करते। ब्रह्मपुर समेत गंजाम जिलार अधिकांश स्थान में सकाळु सकाळु वर्षा लागि रहिथिबा बेले ओडिशा बंद को नहीं लोके मध्य घरे रहिथिबा देखिबाक मिलिछि। यार प्रभाव में जानवाहन चलाचल स्वाभाविक हो पारिना खाली से नुहे जनजीवन भी प्रभावित होभिन्न अंचल ट्रक चलाचल स्वाभाविक थिले मध्य बेशी संख्यक बस चलुना किंतु आज लोक हो बस चलुन कह देखु ममिता मेहर घटना एक झलक मात्र आज आप जानते नवीन पट्टनायक शासन रे समग्र ओडिशार नारी समाज आज असुरक्षित आपण बबिना छपिना माधवीलता कथा कह जाऊर ममता मेहर कथा कह जाऊ आज समग्र माँ झी मैने नवीन पट्टनायक शासन रे असुरक्षित ए परिप्रेक्षी में आम गंजाम जिला कांग्रेस कमिटी तरफ समग्र ब्रह्मपुर एवं गंजाम जिला लोक आज जो प्रकार अद्भुतपूर्व बंद को सफल करें धन्यवाद दौचो एवं मंत्री दिव्य सिंह मिश्र को जो मुख्यमंत्री सुरक्षा दौंते तार निंदा करुचु एवं मुख्यमंत्री निकट दाबी करुचु शीघ्र बहिष्कार करतु नजत नचे ए आंदोलन राज रास्तु राजभवन पर्यटन जीव आज कार्यक्रम बर्तमान आम बारटा सुधा सर एवं आम यही परिप्रेक्षी में गंजाम जिलार समस्त जनसाधारण को गंजाम जिला कांग्रेस कमिटी तरफ धन्यवाद जनाऊु सका सका आंदोलन जिलार समस्त ब्लॉक समस्त पंचायत रे चली ब्रह्मपुर सहर रे चली समस्त एनएससी रे चली आंदोलन को सफल करने कांग्रेस कर्मी मान जो अवदान से आम धन्यवाद जनाऊु तार किसी माने ना कांग्रेस एक अभिन्न कांग्रेस संगठित भाव में लड़ुच हाइकोर्ट हाइकोर्ट नुआ कथा कही ना एक आगे सुप्रीम कोर्ट कहते आम हाइकोर्ट निर्देश अनुजाई ही काम करुचु। सुशांत पटनायक सकाळ खबर।